ओके, लेट अस स्टार्ट विद दी टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। हमने बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी या रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी ये कंप्लीट किया, ठीक है। बिजनेस एथिक्स को देखा और अब हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद आई थिंक बिजनेस एथिक्स। यस, तो बिजनेस एथिक्स में हमने क्या देखा, कंसेप्ट क्या बोलता है, एथिक्स ये वर्ड कहां से है, एथिक्स दिस वर्ड हैज केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस, और इथोस का मतलब क्या देखा था हमने, कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, चरित्र, हाउ यू बिहेव, और इसका एक मीनिंग देखा था हमने कोड ऑफ कंडक्ट, कि बिजनेस करते समय आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, ठीक है। अब उसके फीचर्स देखे हमने एक एक करके, फीचर्स में क्या क्या था देखो, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बिजनेस एथिक्स क्या है, एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको कैसा व्यवहार करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, what to do and what not to do, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है what to do and what not, तो ये इसमें important word है, ये आपको जब भी आप business ethics की बात करते हो आपको ये mention करना है। For the welfare of the society, all businessmen must follow this code of conduct, सबको इसको follow करना चाहिए, based on moral and social value। एक student ने डाउट पूछा था, सर ये मोरल वैल्यू और सोशल वैल्यू में डिफरेंस क्या है करके, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन सेंड किया था। तो मोरल वैल्यू और सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यू और सोशल वैल्यू में फर्क क्या होता है, तो जो मोरल वैल्यू है वो कभी कभी हो सकता है सोशली एक्सेप्टेड ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्पेस है या सोसाइटी है या ऑफिस है जहां पर नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है, तो ये जो नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है वो क्या है, वो सोशल वैल्यू है। सामाजिक तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जहां पर मेजोरिटी लोग जैसे हैं वैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन कोई नॉनवेज खाता है तो वो बुरा है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मोरली वो रॉन्ग नहीं है, अगर वो नॉनवेज खा रहा है तो कोई कुछ भी खा सकता है, ठीक है, उस पर कोई रोक लगा सकता नहीं है। बट सोशली अगर देखें तो किसी और को बुरा लग सकता है, तो हम ऐसा कस्टम फॉलो करते हैं कि ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप। जब आप बिजनेस एथिक्स की बात करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो सोशल ग्रुप होता है उसको क्या मिलता है, एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। बिजनेस एथिक्स क्यों प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज कंज्यूमर, एम्प्लॉयज, बिजनेस, स्मॉल बिजनेस हो गए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो गए, और शेयर होल्डर और क्रेडिटर। तो एक हिसाब से स्टेक होल्डर की हम लोग यहाँ पर बात करें, इनको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आप वो काम नहीं करते जिसकी वजह से सोसाइटी को हार्म हो, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, आपको एक क्या देता है, फ्रेमवर्क देता है, एक बाउंड्री देता है जिसके बाहर आपको काम नहीं करना। तो इट गिव्स सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट्स, आपको एक लिमिट बताता है कि आपको अपनी हद में रह के काम करना है,
आप प्रॉफिट के चक्कर में ऐसा कोई काम ना करें कि आपकी लिमिट आप क्रॉस कर दो, ठीक है। वॉलेंटरी, ये स्वेच्छा से होता है। बिजनेस मस्ट एक्सेप्ट दिस बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन, खुद से कर, ऐसा नहीं कि कोई कानूनन आपके ऊपर कोई एक्ट लगाए तो ही आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी इच्छा से बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडेंस, जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको कभी कभी ये सब चीज का नॉलेज होता नहीं है, एथिक्स क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जब बिजनेस एथिक्स की बात होती है तो क्या करता है, एजुकेट करता है, प्रॉपर एजुकेशन देता है। किसको देता है? स्मॉल बिजनेसमैन को, पर्सन को, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स, ये उसको पता होना चाहिए, ठीक है। किसको? स्मॉल बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन मस्ट बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन, जैसे वो बिजनेस करने जा रहा है उसके पहले उसको बिजनेस एथिक्स का नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। द बिजनेसमैन मस्ट बी मोटिवेटेड टू इम्प्लीमेंट बिजनेस एथिक्स, और उसको मोटिवेट किया जाए कि वो हमेशा अपने बिजनेस में बिजनेस एथिक्स को फॉलो करे। बिजनेस एथिक्स क्या है? रिलेटिव टर्म। बिजनेस एथिक्स हो सकता है कि वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम या कंट्री टू कंट्री क्या हो, अलग हो। एक कंट्री में एथिक्स कुछ और हो सकता है बिजनेस एथिक्स, और दूसरी कंट्री में कुछ और हो सकता है। अल्टीमेटली क्या है? ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये बिहेवियर है कि हमको अपने कस्टमर से, अपनी सोसाइटी से, अपने क्रिएटर से कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो डिपेंड कर सकता है, जैसे अभी कोई कंट्री में हो सकता है कि वहां पर क्या चले, सारे कैश ट्रांजेक्शन चले, या जो क्रेडिटर है वो एकदम टाइम का पक्का होता है, 15 डेज का क्रेडिट दे दिया है तो 15 डेज में ही आपको पैसा रिटर्न करना है, तो वहां का एथिक्स हो सकता है। या पे हो सकता है कि 15 दिन बोला तो ठीक है, 15 दिन का एक महीना हो गया तो भी चलता है, ऐसा हो सकता है। तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट रूल्स भी अप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव टर्म हो गया। न्यू कंसेप्ट, क्या ये न्यू कंसेप्ट है? एक्चुअली देखा जाए तो बिजनेस एथिक्स बहुत ही एंशियंट टाइम से, जब से हम बिजनेस कर रहे हैं तब से एथिक्स को भी फॉलो करते हैं, बट फॉर्मल वे में देखा जाए, ऑर्गेनाइज्ड वे में देखा जाए तो ये कंसेप्ट नया है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर देखो लिखा है न्यूअर कंसेप्ट, ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो जो डेवलप्ड नेशन है वहां पर बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया जाता है, एंड नॉट इन पुअर और डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में इतना बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो इस पॉइंट के ऊपर डाउट था, मॉरल एंड सोशल वैल्यू देख लेते हैं एक बार। आर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप। हमारे जो वैल्यूज हैं वो हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में, डेवलप करने में। जब भी हम किसी धर्म संकट में होते हैं, धर्म संकट का मतलब ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा जब भी हम सोचते हैं तो हमको अपने वैल्यूज को याद रखना है, और वैल्यूज हमारा क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि हम किस चीज को करें। The decisions we make are reflection of our values and beliefs, and they are always directed towards a specific purpose. तो हमारे जो भी decisions रहते हैं, हमारे मन में prejudices रहता है कि ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्या देते हैं, direction देते हैं specific purpose के लिए। ये हमारे values beliefs से जुड़े होते हैं, हम क्या believe करते हैं। Social value form an important part ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, लेकिन जहां पर सोशल वैल्यू की बात करें वो किस पे डिपेंड करता है, ओवरऑल सोसाइटी की बात करता है, सोसाइटी के लिए वो एक्सेप्टेड है या नहीं है, ठीक है ना, पूरी सोसाइटी के लिए वो एक्सेप्टेड है या नहीं है। दे प्रोवाइड जनरल गाइडेंस गाइडलाइंस फॉर सोशल कंडक्ट, तो सोशली आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना। अभी जैसे कैसा है कि जहां पर फ्यूनरल चल रहा है और आप वहां पर जाकर खड़े होके जोक करोगे, हंसोगे, तो क्या कुछ आप गलत कर रहे हो क्या? तो मोरली अगर देखा जाए तो मोरली आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको अपनी आजादी है, आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट सोशली ये क्या होता है, रॉन्ग दिखता है कि जहां पर फ्यूनरल चल रहा है आप वहां पर खड़े देके हंस रहे हो, बात कर रहे हो, लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा ये चीज। तो ये फर्क आपको समझ में आएगा कि जो मोरली सही हो सकता है वो सोशली रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर कम शब्दों में समझने की बात यह है कि
कि हमको जहां पर समाज को देख करके चलना पड़ता है वो क्या होता है, सोशल वैल्यूज, लोग क्या कहेंगे, है ना, बार बार सुना होगा ना, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जब ऐसा देख करके चलना पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं सोशल वैल्यूज। वैल्यूज सच एज फंडामेंटल राइट्स, पेट्रियोटिज्म, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन, डिग्निटी, रेशनैलिटी, सेक्रीफाइस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस आर बिहेवियर इन मेनी वेज। मोरल वैल्यूज बेस्ड ऑन परसेप्शन, जो मोरल वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ हम वही देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई नॉनवेज खा रहा है, क्या नॉनवेज खाना गलत है, लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है उसके बारे में, लेकिन कोई एकदम टू द पॉइंट एकदम करेक्ट नहीं बोल सकता कि वो गलत क्यों है या वो सही क्यों है, है कि नहीं। तो यहां पर क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर बेस्ड होता है। और जैसे देखो बहुत बार हम लोग कुछ अंधविश्वास में भी ऐसा मानते हैं, जैसे होता है ना घर में कभी कभी बोला जाता है कि आपको नेल्स कट नहीं करने चाहिए इस दिन पे, लेकिन उसके ऊपर आप बोलोगे कहां लिखा हुआ है ना, तो उसमें क्या होता है, सोशली वो एक्सेप्टेड नहीं है बट मोरली हो सकता है आप करेक्ट हो, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। वेर एज सोशल वैल्यूज मे बी ऑल्सो इंक्लूडेड आइडियाज अबाउट थिंग्स बीइंग सोशली एक्सेप्टेड, समाज आपको स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब आप उसकी चिंता करते हो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज आर ऑफन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, ईगो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, हार्डवर्क, कोऑपरेशन, फॉरगिवनेस, नेवर हर्ट एनीवन, इसके ऊपर क्या बेस्ड होता है, आपके सोशल वैल्यूज बेस्ड होते हैं। देर शुड बी एथिक्स बिहाइंड ऑल बिजनेस एक्टिविटी, जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो सबके पीछे क्या होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए। मतलब ये बोलने का मकसद ये है कि आप अनएथिकल वर्क ना करें, अनएथिकल काम ना करें। द रूल्स आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज बिजनेस शुड डू एंड व्हाट इट शुड नॉट डू। तो उसके हिसाब से क्या बनाए गए, रूल बनाए गए बिजनेस ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देयर आर ऑल्सो नोन एज बिजनेस एथिक्स, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा, क्रिएट गुडविल। तो ये सब क्या करते हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में गुडविल क्रिएट होता है, आपका नाम बढ़ता है, लोग आपके यहां से ही गुड्स परचेस करेंगे, ये लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। इट गिव्स इकोनॉमिकल गेन इन द लॉन्ग रन, और आपको आगे चल के इसका फायदा होता है फ्यूचर में। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग खुद से गो थ्रू कर लेना, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब हम लोग डायरेक्टली न्यू टॉपिक पे जा रहे हैं विच इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला वर्ड क्या है इसमें, फर्स्ट वर्ड इज कॉर्पोरेट, ठीक है, और सेकेंड वर्ड क्या हो जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, किसका, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब यहां पर स्पेसिफिकली हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं। ऊपर जो अभी तक हमने बात की वो किसकी बात की, वो सारे बिजनेस की बात की, ओवरऑल बात की, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, LLP हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो। ऊपर जो बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे थे या हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड सोसाइटी, वो सारे बिजनेस के लिए था, लेकिन जब हम लोग बात करें CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज, कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसके लिए अलग से क्या कर दिया, एक्ट में डाल दिया गया, कानून बना दिया गया इसके लिए। तो ये देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया, इंडिया में ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हाउएवर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली नोटिफाइड द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अलॉन्ग विद द कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल 2014। तो क्या बताया कि करंटली जब रूल 2014 किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में, ये 2013 जब लॉन्च हुआ तो उसके साथ ही सेक्शन 135 ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्या दे दिया, आपको एक्ट दे दिया। और क्या बताता है ये, एंड अदर नोटिफिकेशन रिलेटेड देयर टू व्हिच मेक्स इट मैंडेटरी, क्या ये
मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, कंपलसरी, फ्रॉम 15th अप्रैल 2014 फॉर सर्टन कंपनीज। कुछ कंपनीज को ये क्या करना पड़ता है, फॉलो, सारी कंपनी को नहीं करना है, कुछ कंपनी किसने, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा होगा, जैसे उसका टर्नओवर 1,000 करोड़ का होगा तो, ठीक है ना, उसका शेयर कैपिटल जो है वो 5 करोड़ का होगा तो, ऐसे कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज होगी। अगर वो कॉर्पोरेट या कंपनी उसको सेटिस्फाई करता है तो उसको ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी पड़ेगी, ठीक है। हु फुलफिल्स द क्राइटेरिया एज मेंशन अंडर सेक्शन 135 टू कंप्लाई विद द प्रोविजन रिलेवेंट टू सीएसआर। तो सीएसआर से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन क्या करने हैं, कंप्लाई करने हैं, ये कौन करेगा, जिसका नाम लिखा हुआ है कहां पर, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, सॉरी जिसका शेयर कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है या जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से है, ऐसा मैंने एक क्राइटेरिया बता दिया, वो हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। अब वो कैसे निभाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे, बट यहां तक आपको समझ में आया क्या कि लॉ क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है, ठीक है। तो वो आपको इसमें ध्यान देना है, मीनिंग देते हैं, मीनिंग देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इज सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल, ये अपने आप को खुद रेगुलेट करता है, एम्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटल गोल्स और सपोर्ट वॉलेंटियरिंग और एथिकली ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस। तो ये सपोर्ट करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, किसमें, जो सोसाइटी का गोल है उसको कंप्लीट करने में, या जो सपोर्ट चाहिए वो ये प्रोवाइड करता है, जो एथिकल भी हो सकता है, ठीक है। इट मेक्स अ कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल, ऑटोमेटिकली अगर आप सीएसआर पॉलिसी ले रहे हो तो वो आपको क्या बना देगा, सोशली रिस्पॉन्सिबल, मतलब समाज के प्रति आपका कोई कर्तव्य, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ऐसा आपको बना देगा, जवाबदार बना देगा, अकाउंटेबल बना देगा। दिस अकाउंटेबिलिटी इज टूवर्ड्स इटसेल्फ, वो खुद के लिए है, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर में कौन कौन आ गया, सब लोग आ गए, कस्टमर आ गया, एम्प्लॉय आ गया, गवर्नमेंट आ गए, इन्वेस्टर आ गए, ओनर्स आ गए, ठीक है ना, और एनवायरमेंट आ गए, ये कौन है, स्टेक होल्डर। तो खुद के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए उसको क्या करना है, वो जवाबदार हो जाता है। पब्लिक इन जनरल एटसेट्रा, बाय प्रैक्टिसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज कैन बी कॉन्शियस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के बहुत सारी चीजों पर वो क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये वेलफेयर ही है, जो हमने मैंने बताया ना ऊपर, जो हमने पढ़ा, ऊपर क्या पढ़ा हमने, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके तरफ, टुवर्ड्स सोसाइटी, कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो सोसाइटी के लिए करना पड़ता है। अब हम स्पेसिफिक किसके बारे में देख रहे हैं, कंपनीज के बारे में देख रहे हैं कि कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेफिनेशन दे रहा है, डिफाइन कर रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मैनेजमेंट कंसेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शंस विद देयर स्टेक होल्डर। क्या बताएं, ये एक टाइप का क्या है, मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का तरीका है, और इसमें करते क्या है, हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, किस चीज को जोड़ रहे हैं, एक तो सोशल, दूसरा एनवायरमेंटल कंसर्न, जो सोशल इश्यूज है ना, जो समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं समाज के, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है ना, हेल्थ है, एजुकेशन है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, आजकल एनवायरमेंट का जैसा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है ना, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दोनों को इंटीग्रेट करता है कि दोनों को सॉल्व करने के लिए ये कॉर्पोरेट्स क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं उनके स्टेक होल्डर्स के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, यही बताता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अकॉर्डिंग टू ISO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर नाम तो ISO है, तो IOS होना चाहिए था, आई है फिर ओ है फिर एस है, बट IOS ऐसा बोलने में थोड़ा सा अलग लगता है, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, ठीक है। क्या डिफाइन कर रहा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑन द सोसाइटी। एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, जवाबदारी की बात कर रहे हैं, किस चीज का जवाबदारी, जो वो एक्शन लेते हैं और डिसीजन लेते हैं, उनकी एक्टिविटी और डिसीजन जिसका समाज के ऊपर क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ किसके ऊपर प्रभाव होता है, एनवायरमेंट, रिजल्टिंग इन एथिकल बिहेवियर एंड ट्रांसपेरेंसी विच कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जिसकी वजह से एक एथिकल बिहेवियर निकल करके आता है, एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि सबको पता होता है कि बिजनेस क्या करना चाहता है, उनका इंटेंशन क्या है, और उसके अलावा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये जो भी रिसोर्सेस है हमारे आने वाली आगे की पीढ़ी को भी मिलती रहे, बिजनेस इसके बारे में सोचता रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी। तो जब आप CSR फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, लोगों के हेल्थ के बारे में और सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हो। टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेकहोल्डर, स्टेकहोल्डर मैंने बताया कौन कौन स्टेकहोल्डर, कस्टमर, इन्वेस्टर, ठीक है, ओनर, गवर्नमेंट, एनवायरमेंट, ये सब कौन है, स्टेक होल्डर है। तो टेक इनटू अकाउंट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी क्या उम्मीदें हैं आपसी, कंप्लाइज विथ करंट लॉ एंड इज कंसिस्टेंट विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। तो जो करंट लॉ के साथ सिंक्रनाइज होना चाहिए, मतलब आप कानून के खिलाफ भी ऐसा कुछ एक्शन ना लो, ठीक है, और लोगों की हेल्प भी करो, एंड इज इंटीग्रेटेड थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेड इन इट्स रिलेशन, ठीक है। क्या बताया इसमें, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, इज इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेड इन इट्स रिलेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लागू होना चाहिए, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वही इस चीज का ख्याल रखे, ऐसा नहीं, सबकी प्रायोरिटी में होना चाहिए और सारे रिलेशंस पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डेफिनेशन था का, तो इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। किसी को डाउट होगा तो वो स्पीकर ऑन करके भी बात कर सकता है, माइक पे बात कर सकता है। ओके, कोई डाउट नहीं, तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गया, ठीक है। अब इसका स्कोप देखते हैं, स्कोप मतलब क्या होता है, जब हम लोग ऊपर बात कर रहे थे ना किसके किसके ऊपर अप्लीकेबल है, मतलब ये CSR पॉलिसी किसको मानना ही पड़ेगा, किसके लिए कंपलसरी है, तो यहां पर देखो किसके लिए अप्लीकेबल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR, द कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 1500 करोड़, ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो नेटवर्थ मतलब क्या होता है, नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो यहां पर नेटवर्थ का मतलब आपका पूरा का पूरा कैपिटल, जनरल रिजर्व है ना, जो भी फ्री रिजर्व है वो सारी चीजें इसमें आ गई, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्थ, मतलब नेट कैपिटल। तो अगर आपका कैपिटल 1500 करोड़ का है तो आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी, कौन सी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरा, या तो आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए,
टर्नओवर मतलब सेल्स, आप जो भी इनकम जनरेट करते हैं, अगर आपका इनकम 1,000 करोड़ के ऊपर है आपकी कंपनी का, तो उस कंपनी के ऊपर क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि उसको क्या करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, और नेट प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ और मोर, तीसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था, जो हमारा कैपिटल है नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 1,500 करोड़ का होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब उससे कम वाली कंपनी को इसके पीछे पैसा करने खर्चा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरा या तो उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तीसरा, या तो उसका प्रॉफिट जो है वो 15 करोड़ का होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट 15 करोड़ से कम है, आपका सेल्स 1,000 करोड़ से कम है, आपका कैपिटल 1,500 करोड़ से कम है, तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होगी नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अप्लीकेबल आपके ऊपर हो गई, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी बनाना पड़ेगा, अपने पास एक कमिटी रखना पड़ेगा। मतलब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेकर के आप एक कमिटी बना दीजिए जो समाज के वेलफेयर के बारे में सोचेगी कि इसके लिए जो पैसा आया वो कहां पे खर्चा करना है। तो अल्टीमेटली इसमें होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता क्या है, तो आप देखो पहले पॉइंट नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग। व्हाट इज पॉइंट नंबर 3, ऑल कंपनीज शैल स्पेंड, हर एक कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा, शैल स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। वो जितना भी पैसा कमाते हैं, एवरेज नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, जितना भी पैसा वो कमा रहे हैं उसका 2%, सपोज किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 20 करोड़, कितना है 20 करोड़, तो हमने यहां पर देखा था अगर आपका 15 करोड़ से ऊपर होगा तो आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा, तो मतलब आपके अप्लीकेबल हो गया। अब आपका जो नेट प्रॉफिट है उसका आप 2% ले लो, तो 20 करोड़ का जो भी 2% आएगा वो 2% आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, किसमें, समाज के वेलफेयर में खर्च करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया, तो 2% आपको एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो जो प्रॉफिट आपको कब हुआ है, पिछले 3 साल में हुआ है ना, फिर से सुनो, ऑल कंपनी शैल स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द, अच्छा किसका 2%, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल में जो आपको एवरेज प्रॉफिट हुआ है ना, सपोज फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट हुआ 10 करोड़, सेकेंड ईयर में आपका प्रॉफिट हुआ 15 करोड़, थर्ड ईयर में आपका प्रॉफिट हुआ 20 करोड़, तो 10, 15 और 20 कितना हो गया, 45, तो 45 का क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा, 45 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 करोड़, तो 15 करोड़ का 2% आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, इन परसुएंस ऑफ इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। अब पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं, द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ द CSR कमिटी, और जो बोर्ड का रिपोर्ट रहेगा वो बताएगा कि CSR कमिटी में कौन कौन है, कौन उसके मेंबर है, कितना मीटिंग होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें कहां लिखी जाएंगी, बोर्ड रिपोर्ट में लिखी जाएंगी। The company shall required to incorporate in its board report an annual report on CSR containing the following particular. तो कंपनी को अपने बोर्ड रिपोर्ट में CSR को भी डालना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा उसमें देखो, तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे तो CSR में क्या क्या डालना पड़ेगा, A brief outline of the company's CSR policy. कंपनी की जो CSR policy है, मतलब ये जो 2% वो खर्चा करने वाली है वो कहाँ खर्चा करेगी, वो उसको बताना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट वो ले रही है, और प्रोग्राम प्रपोज टू बी अंडरटेकन, या वो लेने वाली है फ्यूचर में, एंड रेफरेंस टू द वेब लिंक टू द CSR पॉलिसी। तो कहां से आप ये CSR पॉलिसी बना रहे हो, उसका रेफरेंस के लिए आपको वेब लिंक देना पड़ेगा, ताकि अगर उनको डिटेल में पढ़ना है, किसको, गवर्नमेंट को,
तो वो लिंक पे जाकर के आपके सीएसआर पॉलिसी को वो अच्छे से पढ़ सकती है। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट और प्रोग्राम द कंपोजिशन ऑफ द सीएसआर कमिटी, ये तो अभी अभी हमने देखा ऊपर कि जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब कौन कौन उसके मेंबर है कमिटी के, वो आपको बताना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज एट लास्ट थ्री फाइनेंशियल, पिछले तीन साल में आपका एवरेज नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ताकि डिसाइड कर सके कि 2% कितना लेना है, किस पे लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड सीएसआर एक्सपेंडिचर, आप इस साल कितना खर्च करने वाले हैं ये आपको बताना पड़ेगा। डिटेल ऑफ मनी स्पेंट सीएसआर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और कितना खर्च किया है अभी तक, कितना खर्च किया है पूरे साल में, ठीक है ना, ये बताना पड़ेगा। ऊपर क्या था, प्रिस्क्राइब कितना करने वाले थे, कितना किया है। ठीक है, नेक्स्ट इन द केस ऑफ कंपनी हैज फेल्ड टू स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर्स रीजन, अगर आपने ये 2% जो खर्च करने वाले थे नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो आपने इस पैसे का क्या किया और क्यों खर्च नहीं किया, उसका रीजन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक पार्ट फिनिश होता है, अप्लीकेबिलिटी। तो आपको समझ में आया अप्लीकेबिलिटी के बारे में, किसके किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, बोलो। डाउट है किसी को, क्लियर है सबको, नो डाउट। ठीक है, तो एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसको कंपल्सरीली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। तो उसमें एप्लीकेबल किसके ऊपर है, ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 1500 करोड़ का है, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर सेल्स 1000 करोड़ के ऊपर का है, ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट 15 करोड़ के ऊपर का है। ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2% खर्चा करना पड़ेगा। किसका 2%, आपने पिछले तीन साल में जितना कमाया है उसका 2% आपको सोशल वेलफेयर में खर्च करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आपको एक कमिटी बनानी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे सीएसआर कमिटी, उसके मेंबर कौन है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, और आपका एनुअल प्लान बताना पड़ेगा, सीएसआर की पॉलिसी क्या है वो बतानी पड़ेगी। तो यहां पर देखो वही है, सीएसआर पॉलिसी, दूसरा कंपोजिशन, कमिटी मेंबर कौन कौन है, फिर आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया, तो 2% कितना होगा, आप कितना खर्चा करने वाले थे और आपने कितना खर्चा किया। ठीक है, और अगर नहीं किया, फेल हो गए खर्च करने में 2%, तो क्यों हो गए, उसका रीजन कि आपने खर्च क्यों नहीं किया। पॉइंट नंबर बी, सीएसआर कमिटी में कौन कौन होगा, तो सीएसआर कमिटी में देखो कौन कौन होंगे, 4 डायरेक्टर हु शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, जिनका कम से कम 2 बार मीटिंग होना चाहिए, साल में कितना मीटिंग होना चाहिए, 2 मीटिंग होना चाहिए। ठीक है, द कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ 4 डायरेक्टर विच शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, एक साल में उनकी 2 मीटिंग तो होनी चाहिए, टू डिस्कस एंड रिव्यू द सीएसआर एक्टिविटीज एंड पॉलिसी, ताकि वो डिस्कस कर सके कि इस साल हमें पैसे कहां खर्च करने हैं, हमारी सीएसआर की पॉलिसी कैसी होगी। द सीएसआर कमिटी विल रिकमेंड अ फॉर्मल सीएसआर पॉलिसी एंड विल रिकमेंड पर्टिकुलर सीएसआर एक्टिविटीज, प्रिपेयर अ बजट, डिस्क्राइब हाउ टू How the company will implement the project. तो क्या क्या होगा, देखो CSR committee will recommend a formal CSR policy. पहले एक formal CSR policy बनेगी, policy पहले वो लोग design करेंगे, ठीक है, कौन design करेगा, committee वाला, and will recommend particular CSR activity. वो decide करेंगे कि इस साल हमको क्या करना है, for example CSR policy में हो सकता है कि हम कोई एक particular area है वहां पर हम medical facility free में दे रहे हैं, ठीक है, या तो कोई बीमारी है जैसे कोरोना है, कोरोना के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या एड्स है, या कैंसर है, है ना, ऐसा कोई बीमारी है जिसके वजह जिसके लिए हम लोग समाज में क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी सीएसआर एक्टिविटी में आ गया। तो किसी को मेडिकल फैसिलिटी देना, या ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या फ्री में फूड पैकेजेस डिलीवर करना, ठीक है,
या किसी का एजुकेशन करा करके देना, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे या उनके लिए स्कूल बनाएंगे, ऐसा कोई काम, तो ये एक्टिविटीज हो गए। उसके लिए क्या करना, बजट प्रिपेयर करना, कितना पैसा लगेगा। डिस्क्राइब हाउ द कंपनी विल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, बताना कि ये पैसा कैसे लगेगा, कैसे आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हो। एंड एस्टेब्लिश अ ट्रांसपेरेंट मींस टू मॉनिटर प्रोग्रेस, आप इसमें कितना आपने उन्नति किया है, कितना प्रोग्रेस किया है, इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट चीज बनाना। मतलब लोग देखें तो उनको पता चलना चाहिए कि अभी तक आप कितना आगे बढ़े हो, कितने लोगों तक आपने मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाई, कितने लोगों को आपने खाना खिलाया, कितने लोगों को आपने अभी तक एजुकेशन दिया, कितने लोगों तक अवेयरनेस फैलाया, ये सारा ट्रांसपेरेंट चीज होना चाहिए। मतलब डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो सीएसआर कमिटी हमको मालूम पड़ गई, कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम कंसिस्ट ऑफ 4 डायरेक्टर, साल में कितनी बार मिलेंगे, 2 टाइम, ठीक है। अच्छा एक्टिविटी देखो, क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिटमेंट टू सपोर्ट इनिशिएटिव दैट मेजरेबली इंप्रूव द लाइफ ऑफ अनप्रिविलेज्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फोकस एरिया। तो ये फोकस एरिया क्या क्या है, तो आपको क्या देखना है यहां पर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, अनप्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज पर्सन है उनके लिए, ठीक है। तो किस पे फोकस करना है, तो एज पर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल 2014। अब इसमें अलग अलग दिया है, तो देखो इराडिकेटिंग हंगर पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन प्रमोटिंग प्रिवेंशन हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये क्या है, ये एक एक्टिविटी हो गई, या तो आप भुखमरी को हटाओ, गरीबी हटाओ, जो कुपोषण हो गए, माल नरिश्ड हो गए हैं उनको आप प्रॉपर फूड प्रोवाइड करो, ठीक है, या हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करो, पीने का साफ पानी प्रोवाइड करो। दूसरा क्या है, प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वेकेशन स्किल। तो लोगों को आप एजुकेशन दो, जो बेचारे लोग जिनके पास स्किल नहीं है और जो बेरोजगार हो गए उनको आप स्पेशल स्किल प्रोवाइड करो, जैसे होता है ना आजकल वायरमैन का कोर्स या मिक्सर या फैन रिपेयरिंग का कोर्स होता है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स होता है, तो ऐसे छोटे छोटे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप करा रहे हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली अमंग किसके बीच में, चिल्ड्रंस को सिखाना हो गया, वुमेन्स को सिखाना हो गया, ये जो एल्डरली पर्सन है, बूढ़े लोग हैं, उनको आप कुछ स्किल सिखा रहे हो, ठीक है। एबल एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, तो ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना है जिससे लोगों को जीवन यापन करने के लिए कुछ इनकम जनरेट हो सके। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 ये हमने देखा, और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, एक एक एक्टिविटी आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ऐसा पूरा का पूरा हमको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है कि आप एक्टिविटीज बताओ क्या क्या है करके, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और बाद में इसका आंसर देखेंगे, तो आपको क्या करना है, ये खुद से रीड करना है, और इन द केस एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है, समाज सेवा की कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है, वही सारी एक्टिविटीज के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। देखो जैसा लिखा है, वेतरन है या वॉर विडो है एंड देयर डिपेंडेंट्स, तो उनके लिए कुछ पैसा वगैरह दे सकना, जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो शहीद हो जाते हैं तो उनकी वाइफ को पैसे वगैरह या उनके बच्चों के एजुकेशन वगैरह के बारे में अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो, ठीक है ना, ये सारी बातें, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन तो इसके ऊपर नहीं बनेगा क्योंकि क्या क्या आप याद रखोगे, टोटल 10 पॉइंट्स है इसके अंदर, तो एक पर्टिकुलर चीज उठा करके इसमें से वो लोग आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फंड, पैसा कैसे एलोकेट होगा, तो हम लोग ने पहले 2% की बात कर ली थी। कंपनी वुड स्पेंड नॉट लेस देन 2%, कंपनी कम से कम बोल रहा है, इससे ज्यादा खर्चा करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 2% आपको खर्चा करना है। किसका 2%, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है कितने साल का, इमीडिएट 3 ईयर, 3 साल का, 3 साल का जो भी प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज का 2% इतना मिनिमम आपको खर्च करना है, ठीक है। द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द सीएसआर एक्टिविटी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अगर खर्चा करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया, सीएसआर में खर्चा करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया, तो वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, वो हम लोग उसको नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे।
द कंपनी में बिल्ड CSR कैपेसिटीज ऑफ इट्स पर्सनल एंड और दोज ऑफ इट्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थ्रू इंस्टीट्यूट. अभी कंपनी क्या कर सकती है, या तो खुद का एक कमिटी बना ले, खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना ले. जैसे देखो रिलायंस का है, रिलायंस का अपना खुद का वेलफेयर ट्रस्ट है, टाटा का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना. जैसे सलमान खान का क्या है, बीइंग ह्यूमन है, ऐसे सबके अलग अलग ट्रस्ट है. तो ये ट्रस्ट क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं. तो आप अपना खुद का भी क्या बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो. या खुद का ट्रस्ट नहीं है तो किसी और के ट्रस्ट में आप ये पैसा दे सकते हो, ताकि वो लोग क्या करें, वेलफेयर एक्टिविटी करें. तो ऐसे आप पैसा खर्चा कर सकते हो. तो दो चीज बताएं, कितना खर्च करना है और कहां खर्च करना है, ठीक है. चलो, कुछ डाउट है यहां तक, यू कैन आस्क मी. ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ डाउट है तो बोलो. CSR में अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज, कंपनी को कितना खर्चा करना चाहिए, कहां खर्चा करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, ठीक है. ओके, देयर इज नो डाउट. नेक्स्ट थिंग इज नॉन कंप्लायंस ऑफ CSR एक्टिविटी. अच्छा, आपके लिए तो कंपलसरी बोल दिया था, किसके लिए बोला था याद आता है, जिसका नेटवर्थ 1500 करोड़ होना चाहिए. दूसरा याद करो, उसके बाद क्या था, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1000 करोड़. तीसरा, जिसका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15 करोड़. यस, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है ना. तो आपके लिए क्या हो जाता है, कंपलसरी, खर्च करना कंपलसरी है. अब ये ई पॉइंट क्या बताता है, कंपलसरी था लेकिन आपने खर्च किया नहीं, ठीक है. तो क्यों नहीं खर्च किया, तो रीड करो इस पैराग्राफ को रीड करो. देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल प्रोविजन फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर. देखो, एक्ट तो बना दिया लेकिन कोई पेनल्टी नहीं डाला. ये किस टाइप का एक्ट है, अगर इसको फॉलो ना करे तो कुछ सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई सजा रखा नहीं अभी तक. तो एक्ट अभी नया है, इसके लिए कोई अभी तक सजा रखा नहीं है, मतलब पेनल्टी नहीं है, पेनल प्रोविजन नहीं है, ठीक है. लेकिन क्या रखा गया है, हाउएवर नॉन डिस्क्लोजर और एब्सेंस ऑफ द डिटेल अबाउट द CSR. अगर आपने CSR के बारे में बताया नहीं, ठीक है ना, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, या बोर्ड रिपोर्ट में भी आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन ये सब बताया नहीं, तो आपको पेनल्टी लग सकती है. मतलब खर्च करो ना करो, लेकिन उसके बारे में बताओ कि आपने खर्च क्यों नहीं किया. ये सब तो आपको किसमें बताना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा. अगर आपने ये बताया नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगा. पेनल्टीज फॉर नॉट कंप्लाइंग द ड्यूटीज ऑफ CSR वुड अट्रैक्ट अ फाइन नॉट लेस देन 50,000. कम से कम आपको कितना लग सकता है, 50,000 का पेनल्टी, या वो बढ़कर के 25,00,000 भी हो सकता है, ठीक है. तो एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं है. यहां पर क्या बता दिया, ऊपर देखो, देर इज नो स्पेसिफिक पेनल प्रोविजन फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 135. तो 135 सेक्शन के अंदर अगर आपने ये पैसा खर्च नहीं किया तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगने वाली नहीं है. तो सर, ये कौन सी पेनल्टी की बात कर रहे हो आप, 50,000 25,00,000? ये उसके ऊपर है कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आपने बताया नहीं. चलो खर्च नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आप डिस्क्लोज तो करो, बताओ तो कि आपने क्यों नहीं खर्च किया, कहां कहां बताना है आपको, बोर्ड रिपोर्ट में बताना है, CSR पॉलिसी में बताना है, ठीक है. ये नहीं बताया तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी. कितनी पेनल्टी लगेगी, 50,000 से 25,00,000 तक के बीच पेनल्टी लग सकती है, ठीक है, किसको, कंपनी को. और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. और हर एक ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल था उसको जेल जाना पड़ सकता है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल की जेल हो सकती है. तो क्या अजीब सी बात है, खर्च नहीं किया तो चलेगा, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन पेनल्टी किस पे है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आपने बताया नहीं, आपको बता देना. अगर आपने बता दिया, आप साफ साफ बता दो कि सर इस टाइम पे बहुत बिजी था, या हमारे पास उतने अड़चने थी, बहुत जगह पे पैसा हमको और दूसरी जगह लगाना था, इसलिए हम खर्च नहीं कर पाए, नेक्स्ट ईयर हम करेंगे, बस बात खत्म होगी, कोई पेनल्टी लगेगी नहीं.
लेकिन खर्च नहीं किया और डिस्क्लोज भी नहीं किया, बोर्ड रिपोर्ट में भी नहीं डाला, तो आपको ये पैसा भरना पड़ सकता है। और जितने भी ऑफिसर हैं उनको 3 साल की जेल और विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 और विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख। और ऑफिसर को 50,000 से 5 लाख तक का क्या लग सकता है, फाइन भी लग सकता है जेल के साथ में, ठीक है, और दोनों हो सकता है। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। हमने यहां पर क्या क्या देखा, पॉइंट नंबर ए में देखो स्कोप ऑफ सीएसआर, उसमें हमने देखा पहले एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर बी सीएसआर कमिटी, कमिटी में एटलीस्ट 4 डायरेक्टर होते हैं और साल में 2 बार मिलना होता है और वो तय करते हैं कि कहां कहां पैसे खर्च करना है। एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटी देखी हमने, 10 एक्टिविटीज देखी, ठीक है ना। इसमें देखो रेड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टालिटी एंड इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, मतलब जो जन्मजात बच्चे मर जाते हैं या जो महिलाएं होती हैं डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती हैं, मर जाती हैं, या मैटरनल हेल्थ उनका अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों को आपने कुछ अच्छी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की, फ्री में टैबलेट्स या मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड किए, तो ये सीएसआर में काउंट होगा। एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को या इकोलॉजी को लेकर के आप कुछ काम कर रहे हैं, फ्लोरा फाउना उसको लेकर के काम कर रहे हैं, या एनिमल वेलफेयर है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, इसको लेकर के काम कर रहे हैं, तो ये भी काउंट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल, आप लोगों को क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं या ऐसे स्किल सिखा रहे हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना वायरिंग का कोर्स हो गया या कलरिंग का कोर्स हो गया या मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हो गया, ऐसे छोटे मोटे आप कोर्स करा के लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मेजर फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट, तो यहां पर कुछ मेजर्स आपने लिए जो डिफेंस वगैरह में है, जो शहीद की पत्नियां वगैरह रहते हैं ना, तो उनको आपने कुछ हेल्प किया। ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट नेशनली ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। आपने क्या किया, ट्रेनिंग दिया कि कोई रूरल स्पोर्ट्स है, कोई गांव इलाके में कोई स्पोर्ट्स खेला जाता है, आप उसको नेशनल लेवल तक रिकॉग्निशन दिला रहे हो, तो वो भी इसमें कवर होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो आप इसमें पैसा अगर देते हो तो भी काउंट होगा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गांव को डेवलप करने के लिए आप पैसा लगा रहे हो या स्लम एरियाज है उसको डेवलप करने के लिए पैसा लगा रहे हो, तो ये सब भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर नॉन कंप्लायंस, क्या कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस, यहाँ पर दोनों चीज बता दी। कंपनी को लगेगा 50,000 से 25 लाख तक का जुर्माना अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया। हर एक एम्प्लॉय को 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही साथ 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो